संजना ने तुरंत हिचकिचाकर सिर घुमा लिया और बोली, वैसे क्या मैं तुम्हारे घर पर अपना फोन चार्ज कर सकती हूँ? करण को ये सुनकर दिल ही दिल में बड़ी खुशी हुई। वो मुस्कुराकर बोला, फोन चार्ज करना है? संजना ने हामी भरी। करण ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम अपने घर पर फोन चार्ज नहीं कर सकती? संजना जानती थी कि करण उसे जानबूझकर छेड़ रहा है, फिर भी वो बड़े प्यार से बोली, क्या मैंने तुम्हें अभी नहीं बताया कि मेरे घर पर लाइट नहीं है? सोसाइटी वालों का कहना है कि कल किसी को फ्यूज ठीक करने के लिए भेज देंगे। ओ, करण ने बेपरवाही से जवाब दिया, फिर आगे बड़े प्यार से बोला, फिर तो तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। संजना ने करण के चेहरे के सामने फोन घुमाते हुए कहा, तुम्हें सोने के लिए फोन की क्या जरूरत? संजना करण की बातें सुनकर उसे लात मारना चाहती थी। उसने सोचा कि ये इतनी बकवास क्यों करता है, मैंने क्या सोचकर पहले इससे प्यार किया था? सच में बस इसका चेहरा ही अच्छा है, बाकी कुछ नहीं। वो पहले उसे ये जानते हुए भी डराने की कोशिश कर रहा था कि उसे भूत प्रेतों की बातों से कितना डर लगता है। करण के चेहरे से शैतानी साफ झलक रही थी। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम मेरे साथ सोना चाहती हो तो? संजना ने करण को घूर के कहा, क्या यहाँ? संजना चुप हो गई। क्या अब इसे कुछ नहीं बोलना? अब तो वो सच में करण को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसका भी दिमाग खराब था जो उसने यहां अपना फोन चार्ज करने का सोचा। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, करण ने पूरा दरवाजा खोल दिया और कहा, अगर तुम्हें चार्ज करना है तो जल्दी करो। लेकिन अब संजना उसे मना करने के मूड में थी, लेकिन अगर वो मना कर देती तो उसे पास की दुकान पर जाकर टॉर्च खरीदनी पड़ती। रात हो चुकी थी और पहले ही करण ने अपनी बातों से उसे, भूल जाओ भूल जाओ, मैं बस यहाँ थोड़ा फोन चार्ज करके चली जाती हूँ ताकि मैं सोने से पहले थोड़ा गेम खेल सकूं, संजना ने फैसला किया। संजना के अंदर आते ही करण अपने बेडरूम में चला गया। सोफे पर बैठकर संजना ने अपना फोन चार्ज पर लगा लिया। टीवी पर कोई बोरिंग सीरियल चल रहा था। जल्दी ही करण भी बाहर आकर बार टेबल पर बैठ गया और वाइन पीते हुए लैपटॉप पर काम करने लगा। दोनों ही अपना अपना काम कर रहे थे और दोनों ने ही एक दूसरे को परेशान नहीं किया। अभी तक संजना का फोन सिर्फ 10% ही चार्ज हुआ था, इसीलिए वो टीवी पर बोरिंग सीरियल देखती रही। संजना बुरी तरह से थक चुकी थी, इसीलिए उसको जल्दी नींद आ गई और वो सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई। जब करण को कोई आवाज नहीं आई तो उसने पलट कर देखा। क्योंकि संजना ने शॉर्ट्स पहने हुए थे, इसीलिए जिस एंगल में वो बैठा था वहां से संजना के खूबसूरत पैर दिखाई दे रहे थे। करण को ये देखते ही फंदा लगा। वो संजना को ठीक से बैठने के लिए कहना चाह रहा था, लेकिन संजना गहरी नींद में थी। करण लगातार लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उसका पूरा ध्यान संजना पर था। करण ने अपने काम पर फोकस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजना को देखते हुए वो उसकी तरफ आकर्षित हुए जा रहा था। वो संजना पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। वो बस वहां चुपचाप लेटी हुई थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वो उसे सिड्यूस कर रही है। एसी चलने के बावजूद कमरे का तापमान एकदम गर्म हो गया। उसका दिल और शरीर दोनों जल रहे थे। अचानक करण उठा और संजना के पास जाकर जोर से बोला, ठीक से बैठो। उसे लगा था कि वो सोफे पर लेटकर टीवी देख रही होगी, लेकिन वो तो सो चुकी थी। करण थोड़ी देर तक उसे देखता रहा और फिर वो अपने बेडरूम से कंबल लेकर आया और संजना को ओढ़ा दिया। फिर उसके बालों से क्लिप निकालकर उसके बाल खोले और पैरों से चप्पल निकालकर साइड में रख दी और उसे ठीक से सोफे पर लिटा दिया। बार टेबल पर वापस लौटने के बाद भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने अपना काम बंद करके आराम करने का सोचा। लेकिन जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाने के लिए सोफे के पास से गुजरा, वो संजना को देखने के लिए एक पल रुका कि कैसे वो थकान के मारे इतनी गहरी नींद में सो रही थी। उसके दिल में कई एहसास उमड़ रहे थे। फिर उसने धीरे से संजना को गोद में उठा लिया, उसके माथे को प्यार से चूमा और उसे कमरे में बेड पर लेटा दिया। उसे लेटाने के बाद ना तो वो उसके पास लेटा
और ना ही कमरे से बाहर गया, बस उसके करीब चुपचाप बैठकर उसे देखता रहा। उसके बेचैन दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। सुबह होने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया। जब अगले दिन संजना जागी तो खुद को अनजान कमरे में देखकर डर गई। उसने तुरंत खुद की हालत और कपड़े चेक किए। थैंकफुली सब ठीक था। इसके बाद उसने चैन की सांस ली। पिछली रात वो करण के घर अपना फोन चार्ज करने आई थी और थकान की वजह से सोफे पर सो गई थी। उसने कमरे से बाहर आकर देखा तो लिविंग रूम में कोई नहीं था। ये तो और भी अच्छा था। अपनी चप्पल पहनकर उसने फोन और चार्जर लिया और चुपचाप बाहर निकल गई। अपने घर वापस आकर उसने चैन की सांस ली। जब उसने अपने बालों को बांधने की कोशिश की तो उसको आश्चर्य हुआ कि उसका हेयर बैंड मिसिंग था। लगता है वो करण के घर पर भूल गई होगी। उसे खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे करण के घर पे कैसे सो गई। उफ, मैं सच में पागल हूं, उसने सोचा। तैयार होकर संजना ने सोसाइटी फोन करके अपना फ्यूज ठीक करवा लिया। हर महीने पीरियड्स के टाइम पर उसे ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती थी, इसीलिए वो अपनी बहन से मिलने नर्सिंग होम चली जाया करती थी। आज भी उसने ऐसा ही किया। जैसे ही वो सोसाइटी से बाहर निकलकर बाएं मुड़ी, उसी टाइम दाएं तरफ से एक काली जीप सोसाइटी के अंदर दाखिल हुई। डोरबेल सुनकर करण की आंख खुली। वो पूरी रात नहीं सोया था। अभी अभी उसकी आंख लगी और किसी ने आकर उसे जगा दिया। गुस्से में उसने दरवाजा खोला। इससे पहले कि वो किसी को देख पाता, उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई थी। करण अंकल। उसने नजरें झुकाकर देखा तो सामने एक बहुत ही क्यूट लड़का खड़ा था और उसके पीछे उसकी माँ। उसने कंफ्यूज होके पूछा, मॉम आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सनी समर कैंप से आज ही वापस आया और वो तुमसे मिलने की जिद कर रहा था। नीना ग्रोवर ये कहते हुए अपने पोते को लेकर घर के अंदर आ गई। उसके अलावा मैंने तुम्हारा घर भी नहीं देखा था, क्या तुम ठीक से एडजस्ट हो गए हो? पूरे घर का जायजा लेने के बाद नीना ग्रोवर की नजर करण के बेडरूम पर पड़ी। अभी दोपहर हो चुकी है, तुम अभी तक सो रहे हो? कल रात कहीं गए थे क्या? जैसे ही उनकी तेज नजर तकिए से चिपके लंबे बाल पर पड़ी तो उनकी नजर आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। यहाँ एक लड़की सोई? वो पहले ही समझ गई थी। वो टहलते हुए लिविंग रूम में पहुंची। सोफे पर बैठते ही उनकी नजर कॉफी टेबल पर रखे हेयरबैंड पर पड़ी। ओह, एक लड़की का हेयरबैंड। किचन से पानी का ग्लास लेकर आते हुए करण ने देख लिया था कि उसकी माँ क्या देख रही है। घूरते हुए उसने तुरंत पानी का ग्लास टेबल पर रखा और हेयरबैंड को कॉफी टेबल के कैबिनेट में फेंक दिया। तुम? नीना ग्रोवर ने करण को सवालिया नजरों से देखा। क्या ये खैर, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? भले ही वो सवाल पूछ रही थी लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि उनको इस बात का पूरा यकीन है। सनी करण के सामने जाकर बोला, करण अंकल के पास गर्लफ्रेंड है। करण ने अपनी स्टडी की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे खिलौने वहां रखे हैं, जाओ अपने आप ढूंढो। सनी की आंखें तुरंत चमक उठी। वो तुरंत अपने नन्हे कदमों से स्टडी की तरफ दौड़ा। इस दौरान नीना ग्रोवर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। उन्होंने कहा, क्योंकि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताते? वो लड़की कैसी दिखती है? तुम लोगों का प्यार कहां तक पहुंचा? क्या तुम उसे प्यार करते हो? क्या वो तुम्हें प्यार करती है? अगर तुम लोग सीरियस हो तो तुम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। आखिर वो एक लड़की है, उसका आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। वो बिना अपने रिश्ते को नाम दिए हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं घूम सकती। क्यों ना तुम कल उसे घर लेकर आओ? ये कहते हुए नीना ग्रोवर खुशी से चहक रही थी। करण ने अपनी भोली माँ को देखा। जब उसने उस लड़की के बारे में सोचा तो उसका मूड चेंज हो गया, इसीलिए वो कुछ देर चुप रहा। लेकिन उसकी माँ को इस बात का एहसास नहीं हुआ। वो अभी भी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। वो नाराजगी दिखाते हुए बोला, आप चाहती हो मैं शादी कर लूं, फिर भी आपने रोशनी को यहां भेज दिया? नीना ग्रोवर ये सुनकर दंग रह गई। थोड़ा हिचकिचाकर वो बोली, बेटा मैं भी ये नहीं चाहती थी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें वो पसंद नहीं है। अब तुमने उससे अपनी सगाई तोड़ दी। मैंने तुम्हारे पिता को समझाया कि शादी को सफल बनाने के लिए दोनों में प्यार होना जरूरी है,
लेकिन तुम अपने पिता को जानते हो, उनके लिए उनका वादा सबसे ऊपर है, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने ये शादी तय की थी। इसीलिए मैं भी तुम्हारे पिता को ज्यादा फोर्स नहीं कर सकती। मुझे इसका बहुत अफसोस है, लेकिन मैं उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर उसने कसम खाते हुए कहा, लेकिन तुम अपनी माँ पर विश्वास रखो। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिले और तुम उससे शादी करके अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताओ। नीना ग्रोवर की बातें सुनने के बाद करण वहां से जाने लगा। ये देखकर नीना ने तुरंत पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? सोने, मैं रात भर सोया नहीं। आप वापस जाओ, मैं आपसे कुछ दिनों में आकर मिलता हूँ। इतना कहकर करण अपने बेडरूम में चला जाता है। नीना ग्रोवर बड़ी निराश थी। हे भगवान, अब मैं इससे और क्या उम्मीद करूं? भगवान का शुक्र है कि उनके पास सनी है, लेकिन सनी भी अब बड़ा हो रहा था और उसका एटीट्यूड भी अब बेरुखा होता जा रहा था। दो दिन पहले ही उसने उन्हें हर जगह उसके साथ जाने से मना किया, ताकि लोग उसका मजाक ना उड़ाएं कि वो बड़ा लड़का होकर भी अपनी दादी के साथ घूमता है। ये शैतान बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसकी क्यूटनेस कम हो रही है। वैसे ये मेरी इस मामले में कुछ मदद कर सकता है, नीना ग्रोवर ने मन में सोचा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो सीधे स्टडी में गई। उनका पोता सनी वहां खिलौनों से खेल रहा था। नीना ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और कहा, सनी, दादी को आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने सनी से प्यार से पूछा, क्या तुम्हें एक चाची चाहिए? हाँ, मुझे एक प्यारी सी चाची चाहिए, सनी ने हामी भरी, लेकिन फिर अचानक मना करने लगा, मुझे मम्मा नहीं चाहिए। तुम कुछ दिनों तक अपने करण अंकल के साथ रहो और अपनी होने वाली चाची की फोटो लो। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे दादा को तुम्हारी नई मम्मी ढूंढने से मना कर दूंगी। इतना कहकर नीना ग्रोवर ने अपना फोन सनी को दे दिया। सच? सनी की आंखें खुशी से चमक उठी और वो बहुत एक्साइटेड हो गया। फोन में उसका फेवरेट गेम था, किंग ऑफ ग्लोरी बैटल गेम। लेकिन उसे पता था कि अगर उसने फोन के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाया तो दादी फोन वापस ले लेगी। फिर उसने अपनी प्यारी आवाज में पूछा, क्या फिर आप डैडी और मम्मी को वापस मिलाने में मदद करोगी? बिल्कुल करूंगी। अगर तुम्हारी मम्मी सामने आ जाए तो मैं जरूर उन दोनों को मिलाने में मदद करूंगी। नीना ग्रोवर भी चाहती थी कि उनके पोते को उनके माँ बाप का सुख मिले, बहुत प्यार मिले। लेकिन मुश्किल ये थी कि आज तक कोई नहीं जानता था कि सनी की माँ कौन है। उस साल उसके बड़े बेटे को आर्मी के किसी मिशन पर भेजा गया था। एक साल बाद जब वो वापस आया तो अपने साथ सनी को लेकर आया। शुरू में सबको लगा था कि शायद उसने उसे गोद लिया हो, लेकिन डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो सच में उनके बड़े बेटे का ही बच्चा है। वो किसी भी कीमत पर उसकी माँ के बारे में बताने को तैयार नहीं था। सनी उदास होकर बोला, अगर मेरी असली माँ का पता नहीं चला तो प्लीज आप मेरे लिए एक टेम्पररी सौतेली माँ ढूंढ लेना जो मुझे प्यार करे। नीना ग्रोवर उसकी बात सुनकर हंसी। टेम्पररी माँ क्या होती है? सनी चाहे कितना भी शरारती और स्मार्ट क्यों ना हो, वो अभी भी छोटा बच्चा ही था। करण जब सोकर उठा तो उसे लगा शायद उसकी माँ अभी तक वापस चली गई होगी, और सच में नीना ग्रोवर जा चुकी थी, लेकिन सनी अभी भी वहां था। करण अंकल, मैं कुछ दिनों तक आपके साथ रहना चाहता हूँ। हर रोज दादी मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग ले जाती है। मैं एक लड़का हूँ, इसीलिए मुझे हर रोज लड़कियों के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता, सनी ने रोनी शक्ल बनाकर करण से कहा। करण फौरन उसे वापस भेजने के मूड में था। उसे अंदाजा था कि उसकी माँ सनी को क्यों छोड़कर गई है। अगर वो सनी को वापस भेज देता तो नीना अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगी और वो दूसरे आइडियाज ट्राई करेगी। वैसे भी उसे बाहर कुछ जरूरी काम करने थे और उसके पास सनी को छोड़ने जाने का बिल्कुल टाइम नहीं था। उसने सनी को घर पर ही रहने को कहा। बचपन से ही वो बहुत स्मार्ट और समझदार बच्चा था। सिर्फ 5 साल का होने के बावजूद भी वो अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख लेता था, इसीलिए करण को उसे घर पर अकेले छोड़ने की चिंता नहीं थी। सनी को लगा था कि शायद करण थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगा, लेकिन वो तो दोपहर तक वापस नहीं आया।
उसे बहुत भूख लग रही थी। नीचे के फ्लोर पर कोई खाना बना रहा था और खुशबू ऊपर तक आ रही थी। बालकनी में जाकर सनी ने नीचे झांक कर देखा। नीचे की बालकनी किचन और डाइनिंग रूम से जुड़ी हुई थी। उसे कोई खाना बनाते हुए दिख रहा था, मटर पनीर और बटर चिकन। सनी के मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत करण को फोन किया। अंकल आप कब तक वापस आओगे, मुझे भूख लगी है, इतना कहकर उसने पाउट करके कहा। नीचे वाली दीदी डिनर बना रही है और वो बहुत टेस्टी लग रहा है। पहले करण कहने वाला था कि मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने सनी की पूरी बात सुनी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कुछ सोचकर उसने कहा, उनके घर जाकर खाना खा लो। जिस वजह से सनी ने करण को नीचे वाली दीदी के खाना बनाने वाली बात बोली थी वो ये थी कि वो चाहता था कि करण भी घर आकर उसके लिए कुछ बनाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके करण अंकल उसे उस दीदी के यहाँ खाना खाने को बोल देंगे। सच? क्या आप नीचे वाली दीदी को जानते हो? नहीं, लेकिन अगर उन्होंने मुझे किडनैप करके बेच दिया तो फिर बाहर से खाना ऑर्डर कर लो, इतना कह के करण ने फोन काट दिया। सनी गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गया। उसे करण पर बहुत गुस्सा आ रहा था। करण अंकल बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया। ना तो उन्होंने खाना बनाया और ना उनके लिए बाहर से ऑर्डर किया। बाहर से खाना आने में टाइम लग रहा था, आधे घंटे बाद भी खाना डिलीवर नहीं हुआ। सनी वापस बालकनी में गया और वहां से नीचे देखने लगा। नीचे वाली दीदी ने खाने के साथ सूप भी बनाया था जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। करण अंकल ने कहा था कि मैं उनके घर जाकर खा सकता हूँ, इतना सोचकर सनी बालकनी से उठा और अपना फोन लेकर बाहर निकल गया। संजना बस खाना खाने की तैयारी ही कर रही थी कि उसकी डोरबेल बजी। उसने आश्चर्य से सोचा, इस वक्त उसके घर कौन आ सकता है? वो त्रिशा और रेहान के अलावा और किसी को नहीं जानती थी, जो इस वक्त विदेश में था और किसी को नहीं पता था कि वो यहाँ रहती है। नहीं, कोई और भी जानता है, करण ग्रोवर, लेकिन वो उसके घर क्यों आएगा? संजना ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था जो बहुत क्यूट था। वो बड़े प्यार से बोला, हेलो दीदी। इस बच्चे ने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे और किसी अच्छी फैमिली का लग रहा था। क्या ये किसी पड़ोसी का बच्चा है? संजना मुस्कुराकर बोली, हेलो दोस्त, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? सनी ने अपना हाथ आगे करके शर्माते हुए कहा, मेरा नाम सनी ग्रोवर है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। संजना ने फौरन हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम संजना अरोड़ा है और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हैंडसम हंक। खुद के बारे में हैंडसम हंक सुनकर सनी ने शर्मा कर सर झुका लिया। सो क्यूट, संजना ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुमने खाना खाया? नहीं। क्या तुम दीदी के साथ खाना खाना चाहोगे? भले ही ये शैतान खाना खाने के लिए नीचे आया था, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया और थोड़ी देर सोचने की एक्टिंग करके बोला, ठीक है, थैंक यू दीदी। संजना ने सनी के लिए खाना परोसा। सनी बहुत भूखा था, इसलिए उसने तुरंत खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाते हुए वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। दीदी, आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया है, सनी खाना खाते हुए बोला। संजना को बच्चों से बहुत प्यार था। सनी छोटा होते हुए भी बहुत स्मार्ट था। वो समझ गई थी कि वो खाना खाने के लिए उसके घर आया था। उसने पूछा, सनी, हमारी पहली मुलाकात में ही आप मेरे घर पर खाना खा रहे हो, तुम्हें मेरे से डर नहीं लगा? अगर मैं बुरी इंसान हुई तो? अचानक सनी सीरियस होकर बोला, दीदी आप इतनी सुंदर हो, आप बुरी इंसान नहीं हो सकती। ओ, आप कितनी प्यारी बातें करते हो, आराम से खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। आज संजना की छुट्टी थी, इसीलिए उसने बहुत सारा खाना बनाया था, वरना वो सनी को खाना नहीं खिला पाती। उसको देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत भूखा था। खाना खाते खाते सनी ने पूछा, दीदी क्या आपका बॉयफ्रेंड है? क्या आप मेरी माँ बन सकती हो? संजना ये सुनकर चौंक गई। आह, मेरे डैड सिंगल हैं, मेरी माँ नहीं है। अचानक सनी को एहसास हुआ कि उसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे डैड काफी बड़े हैं,
और मैं उनके साथ में रहता हूँ। मुझे यकीन है आपको वो पसंद नहीं आएंगे। संजना ये सुनते ही जोर से हंसी। कुछ दिनों से उसका मूड थोड़ा खराब था, लेकिन इस बच्चे से मिलकर उसे अच्छा लग रहा था। खाने के बाद उसे वापस भेजने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सनी पाउट करके बोला, मैं घर की चाबी नहीं लाया, लगता है हमें बैड अंकल के आने का इंतजार करना पड़ेगा। सनी अभी भी करण से गुस्सा था, इसीलिए उसे सिर्फ बैड पर्सन बुला रहा था। लेकिन संजना को लगा कि शायद वो अपने डैडी के बारे में बात कर रहा है। सनी को थोड़ी देर संजना के पास रुकना था, इसीलिए उसने पूछा, दीदी क्या आपको किंग्स ऑफ ग्लोरी गेम खेलना आता है? मैं आपको सिखा सकता हूँ। ये गेम संजना ने पहले खेला हुआ था। उसने हामी भरते हुए कहा, हाँ थोड़ा आता है दीदी, गेम खेलने में मैं बहुत माहिर हूँ। इसके अलावा मुझे कैंडी क्रश, पबजी भी खेलना आता है। फिर दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए और गेम में ऐड कर लिए। सनी को बाद में पता चला कि संजना भी गेम्स में बहुत माहिर है। वो खुश होकर बोला, दीदी आप तो बहुत अच्छा गेम खेलती हो। सनी से इतनी तारीफें सुनकर संजना शर्मा गई और बोली, मैं इतना भी नहीं खेलती। आप ज्यादा नहीं खेलती तो भी इतनी अच्छी प्लेयर हो। सनी ये सुनकर और भी इम्प्रेस हो गया। उसी पल उसका फोन बजा। फोन पर बात करके उसने संजना से माफी मांगते हुए कहा, दीदी मैं आपके साथ और नहीं खेल पाऊंगा, बैड पर्सन वापस आ गए हैं, मैं घर जाता हूँ। ठीक है, जब भी तुम फ्री हो मेरे यहाँ आ सकते हो, संजना ने कहा। उसे सनी बहुत पसंद आया था, इसीलिए वो खुद उसे छोड़ने के लिए बाहर निकली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने से लिफ्ट का दरवाजा भी खुला। उस पर नजर पड़ते ही संजना हक्की बक्की रह गई। फिर उसने सनी को करण के पास जाते देखा। करण? सनी करण का बेटा है? संजना के लिए बहुत बड़ा झटका था और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ करण उसको कंफ्यूज होकर देख रहा था। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे, फिर एक साथ बोले, सनी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। तुम्हारा बेटा? संजना ये पूछ ही नहीं पाई। फिर सनी संजना को बाय करके करण का हाथ पकड़कर चला गया। इतने टेस्टी डिनर के लिए थैंक यू दीदी, बाय बाय। संजना घर आकर सोचने लगी। सनी ने कहा था कि वो 5 साल का है। 5 साल पहले करण 12वीं में था। इसी टाइम वो उससे पहली बार मिली थी। तो क्या उस टाइम उसका ये बच्चा था? ये सोचकर संजना अंदर ही अंदर घुट रही थी। घर पहुंचकर सनी ने करण से गुस्से में पूछा, करण अंकल आपको मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है ना? करण ने सोचा, अचानक चिंता करने की बात कहां से आ गई। सनी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, उसकी चिंता करूं? जिस लड़की के घर वो खाना खाकर आया है, करण को उसकी चिंता करनी चाहिए। वो तो अच्छा हुआ कि नीचे रहने वाली दीदी बहुत अच्छी निकली, सनी बोला। वो सोच रहा था कि वो दीदी खाना जितना अच्छा बनाती है उतना ही अच्छा गेम भी खेलती है, बस उनको एक बार साथ खेलने का मौका नहीं मिला। सनी जितना संजना के बारे में सोचता वो उतना ही ज्यादा इम्प्रेस होता। उसने धीरे से कहा, काश डैडी उस दीदी से शादी कर लें ताकि वो मेरी मम्मी बन जाए। ये सुनकर करण की बोलती बंद हो गई। ये बच्चा सनी सच में बहुत स्मार्ट था। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती, लेकिन जब भी वो किसी लड़की को अपने डैडी के लिए देखता उसे गुस्सा आ जाता। लेकिन इस बार तो वो बड़ा खुश था और ऊपर से वो चाहता था कि उसके डैडी नीचे वाली दीदी से शादी कर लें। वो सिर्फ एक बार उससे मिला था। क्या तुम्हें नीचे वाली दीदी इतनी अच्छी लगी? करण पूछे बिना रह नहीं पाया। उसकी आंखों में गुस्सा था। हाँ बहुत, सनी ने शर्माते हुए कहा। वो बहुत प्रिटी है। इस वक्त सनी संजना का पूरी तरह से फैन बन चुका था। उसने आगे कहा, मुझे लगता है मेरे डैड दीदी के लायक नहीं है, मुझे जल्दी बड़े होकर उनसे शादी कर लेनी चाहिए। करण थोड़ी देर सोचकर बोला, मुझे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगी, वो बहुत बदसूरत है,
सनी ने कंफ्यूज होकर कहा, करण अंकल आप दीदी की बुराई नहीं कर सकते, उसने मेरे भतीजे पर कौन सा जादू कर दिया। करण ने सोचा। करण के कमरे से जाते ही सनी ने संजना को मैसेज किया, दीदी बैड पर्सन नहाने जा रहे हैं, क्या हम तब तक गेम का एक राउंड खेल सकते हैं। सनी के जाने के बाद संजना किचन साफ करने लगी थी। जब तक उसने सनी का मैसेज देखा तब तक सनी सो चुका था। जैसे ही सनी का फोन बजा, करण की नजर फोन की स्क्रीन पर गई। सॉरी सनी, मैंने अभी अभी तुम्हारा मैसेज देखा। करण थोड़ी देर तक फोन की स्क्रीन को घूरता रहा। जब वो कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसने फोन अनलॉक करके जवाब दिया, ओ क्या तुम अभी भी गेम खेलना चाहती हो। नहीं, संजना फोन हाथ में लेकर थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने मैसेज करके पूछा, जो आपको लेने आए थे क्या वो तुम्हारे डैड है। करण मैसेज देखकर हैरान था। उसका क्या मतलब, उसने सोचा भी कैसे कि सनी मेरा बेटा होगा। देखने से साफ पता चलता है कि सनी 5-6 साल का बच्चा है। जब वो पैदा हुआ था तब मैं 12वीं में था, उस वक्त मेरा बच्चा कहां से आएगा। ऊपर से उसके अलावा मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, क्या वो ये नहीं जानती और उस पर ऐसे शक कर रही है। करण को ये सब सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सीधा लिखा, नहीं, लेकिन फिर सेंड करने के बजाय डिलीट कर दिया। फिर उसने वापस मैसेज किया, क्यों, क्या आपको वो पसंद है। संजना मैसेज पढ़ते ही दंग रह गई। ये छोटा शैतान, क्या उसे इस उम्र में किसी को पसंद करने का मतलब भी पता है। संजना को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मैसेज का क्या जवाब दे। वैसे तो सनी बहुत स्मार्ट था, लेकिन फिर भी इस छोटी उम्र में वो ऐसे मैसेज नहीं लिख सकता था। पहला मैसेज गेम खेलने के बारे में था क्योंकि उसे गेम पसंद था, लेकिन ये वाला मैसेज, लेकिन हो भी सकता है, शायद आजकल के बच्चों का दिमाग बहुत तेज है। उसने थोड़ा हिचकिचा कर जवाब दिया, क्या तुम सनी हो, अगर सनी नहीं हो तो कौन हो। करण ने फौरन लिखा, हाँ। संजना ने फिर वॉइस मैसेज करके पूछा, इतनी देर हो चुकी है तुम अभी तक सोए नहीं क्या सनी। मैसेज सुनकर करण ने सोचा, इतनी बेवकूफ भी नहीं है, उसको चेक करने के लिए वॉइस मैसेज भेजा है। संजना की मैसेज में आवाज सुनकर सनी फौरन बाहर आया और पूछा, अंकल क्या दीदी ने मेरे मैसेज का जवाब दिया है। करण ने पुराने मैसेज डिलीट कर दिए और सनी को बोला, तुम्हारी दीदी पूछ रही है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, तुम उन्हें बोलो कि तुम अभी सो रहे हो और कल उनके साथ गेम खेलोगे। ठीक है अंकल। सनी ने फौरन संजना को वॉइस मैसेज भेजा, दीदी मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मैं आपके साथ कल गेम खेलूंगा, ठीक है, गुड नाइट दीदी। ये तो सचमुच सनी है। संजना को विश्वास नहीं हुआ कि इतना छोटा होकर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। फिर भी क्या सचमुच करण उसका डैड है। अगले दिन उठते ही सनी सबसे पहले अपना फोन ढूंढने लगा। उसे याद आया था कि उसे दीदी के साथ गेम खेलना है, लेकिन पूरा घर ढूंढने के बाद भी उसे उसका फोन नहीं मिला। वो दौड़कर करण के पास गया और पूछा, अंकल क्या आपने मेरा फोन देखा है। करण नाश्ता कर रहा था, उसने धीरे से कहा, सबसे पहले अपना नाश्ता करो। फिर करण ने बेरुखी से कहा, अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें दादी माँ के पास भेज रहा हूँ। ये सुनते ही सनी निराश हो गया। उसने मना करते हुए कहा, मुझे कुछ दिन और यहाँ रहना है। नहीं, यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हो और मैं घर पर खिलौनों से खेलता रहूंगा, जब भूख लगेगी मैं नीचे दीदी के घर खाना खा लूंगा। सनी ने अपनी बात समझाने की कोशिश की। करण ने मुस्कुरा कर पूछा, कल तो तुम्हें बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो तुम्हें किडनैप करके बेच ना दे। सनी बेचारा शर्मा के बोला, दीदी ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बहुत अच्छी है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, वो गेम भी अच्छा खेलती है और सुंदर भी बहुत है, उन्हें देखकर पहले प्यार जैसी फीलिंग आती है। पहला प्यार? करण ये सुनकर दंग रह गया। सनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने बड़े भोलेपन से कहा, हाँ। ना चाहते हुए भी करण ने गुस्से में पूछा, तुम्हें पहले प्यार का मतलब पता भी है। करण हमेशा ही गुस्से में रहता था, इसीलिए नन्हा सनी समझ नहीं पाया
कि करण उस पर सच में गुस्सा हो रहा है। वो खुशी से चहकते हुए बोला, हाँ बिल्कुल पता है, दादी ने मुझे कहा था कि जब मुझे क्लास में कोई लड़की बहुत अच्छी लगेगी तो वो पहले प्यार की फीलिंग होगी। दादी ने ये भी कहा था कि हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स भी रह सकते हैं। जब मैं नीचे वाली दीदी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, तो ये हुई ना पहले प्यार वाली फीलिंग। इस स्मार्ट लिटिल जीनियस पर उसकी भोली दादी की बातों का पूरा असर दिखाई दे रहा था। वो हर चीज में प्यार को सबसे ऊपर रखती है। करण कुछ बोल ही नहीं पाया। पता नहीं सनी को दिन भर क्या बकवास सिखाती रहती है। फिर वो धीरे से बोला, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम फोन नहीं रख सकते। मैं इसे अपने पास रखूंगा और सिर्फ जरूरत पड़ने पर तुम इसे इस्तेमाल करोगे। क्यों? करण की बातें सुनते ही सनी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने दादी के जासूसी मिशन के लिए इसीलिए यहाँ कहा था क्योंकि उसे गेम खेलने के लिए फोन मिल रहा था। क्यों का कोई सवाल नहीं, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना तुम अपनी दादी के घर वापस जा सकते हो, करण ने जोर देकर कहा। आप बुरे हो करण अंकल, आप बुरे हो, सनी रोए जा रहा था। वो फोन के बिना अपना टाइम कैसे पास करेगा? कल तो उनके पास उनके लिए टाइम नहीं था और आज मेरा फोन भी ले लिया, कहीं डैडी का फोन तो नहीं आया? सनी ने मन में सोचा, इसमें तुम्हारी भलाई है, तुम अभी सिर्फ 5 साल के हो, फोन की रेडिएशन से तुम्हारी ग्रोथ रुक सकती है, ये कहकर करण खड़ा हो गया। करण जहां जहां जाता सनी भी मुंह फुलाकर उसके पीछे पीछे घूमता। करण ने गुस्से में सनी को घूर के देखा। सनी डर गया कि कहीं करण उसे वापस ना भेज दे। उसने तुरंत कहा, फिर क्या मैं दीदी के यहां अभी खेलने जा सकता हूं? उसे डर था कि कहीं करण मना ना कर दे, इसीलिए उसने उंगली दिखाते हुए कहा, सिर्फ एक बार। घड़ी देखते हुए करण ने कहा, इतनी जल्दी नहीं, वो अभी सो रही है, मैं तुम्हें दोपहर में 2 राउंड खेलने दूंगा। सनी की आंखें खुशी से चमक उठी, सचमुच? एक बार फिर उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका एक्साइटमेंट देखकर करण मना ना कर दे, इसीलिए उसने फौरन हामी भर दी, हाँ हाँ। बच्चे बहुत भोले होते हैं, वो सिर्फ 1 राउंड खेलना चाहता था और अब करण उसे 2 राउंड खेलने दे रहा था, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सनी ने इसके बाद करण को बिल्कुल परेशान नहीं किया और अपने खिलौने के साथ खेलने लगा। दोपहर में उसने वापस करण से कहा, मुझे भूख लगी है करण अंकल। टाइम देखते हुए करण ने लैपटॉप बंद किया, चलो मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले चलता हूँ। ये सुनते ही सनी बहुत खुश हो गया। उसने करण का हाथ पकड़ कर कहा, करण अंकल क्या हम पिज्जा खाने जा सकते हैं? करण ने जवाब देने के बदले पूछा, नीचे वाली दीदी ने तुम्हें कल रात को डिनर खिलाया था ना, है ना? हाँ। करण का सवाल सुनकर सनी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। करण ने वापस कहा, तुम्हारे डैड ने सिखाया था ना, अगर कोई हमारे लिए कुछ करे तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। सनी फौरन समझ गया, दीदी ने मुझे कल खाना खिलाया तो मुझे भी उन्हें एक दिन खाना